नमस्कार, YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्लैंकिंग ऑपरेशन के बारे में। यह एक कोल्ड वर्किंग प्रोसेस है और सीट मेटल ऑपरेशन का एक टाइप है, और ब्लैंकिंग ऑपरेशन को सीट मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस भी कहा जाता है। तो बात करते हैं कि ब्लैंकिंग ऑपरेशन को कैसे परफॉर्म किया जाता है। इस प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए डाई और पंच की रिक्वायरमेंट होती है, और यह एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें सीट मेटल, जिसे यहाँ पर स्टोक लिखा गया है, तो कह सकते हैं कि जो लार्ज पीस जो सीट मेटल होती है, वहाँ से पंच की मदद से मटेरियल को रिमूव करना होता है, और पंच ऑपरेशन की मदद से जो मटेरियल रिमूव किया जाता है वह ब्लैंकिंग के केस में डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होता है। जैसा आप इस डायग्राम में देखें, यह एक सीट मेटल पीस है जिसमें इस पंच की मदद से इस मटेरियल को सीट मेटल पीस से रिमूव किया गया है, और इसे हम ब्लैंक कहते हैं, और यही हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होता है। बाकी बची जो सीट मेटल पीस है वह स्क्रैप या वेस्ट कहलाती है। लेकिन पंचिंग ऑपरेशन में इसका ओपोजिट होता है, क्योंकि पंचिंग ऑपरेशन में यह जो सीट मेटल पीस है यह डिज़ायर्ड प्रोडक्ट होता है, और यह जो रिमूव्ड पोर्शन है यह हमारा वेस्ट या स्क्रैप कहलाता है। तो एक दूसरे के अपोजिट हैं ब्लैंकिंग और पंचिंग ऑपरेशन। तो इसमें अगर हम देखें कि दो डायग्राम हमें नज़र आ रहे हैं, पहले में लिखा है नो क्लियरेंस और दूसरे में लिखा है क्लियरेंस। तो इसमें यह होता है कि जो क्लियरेंस हम प्रोवाइड करते हैं, पंच के ऊपर क्लियरेंस को प्रोवाइड किया जाता है। इस डायग्राम में अगर आप देखें, जो ब्लैंक साइज और डाई ओपनिंग साइज दोनों इक्वल होते हैं, और जो पंच का साइज होता है वह ब्लैंक साइज माइनस 2 × क्लियरेंस होता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि अगर इसमें क्लियरेंस को प्रोवाइड ना किया जाए तो जो ब्लैंक प्रोड्यूस होगा वह स्टक कर जाएगा डाइज के अंदर। तो इससे बचने के लिए, या कह सकते हैं कि ब्लैंक को फ्रीली फॉल करने के लिए क्लियरेंस को प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा कि ब्लैंकिंग हमेशा सीट मेटल सीट पर परफॉर्म होने वाला फर्स्ट ऑपरेशन होता है जिसे करना आवश्यक होता है, क्योंकि इसके बाद इस पर्टिकुलर ब्लैंक पर फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, तो इसलिए भी क्लियरेंस को प्रोवाइड करना ज़रूरी होता है। अगर हम बात करें कि जो पंच और डाइज प्रयोग किए जाते हैं उनके मटेरियल्स क्या होते हैं, तो इस केस में जो मटेरियल होते हैं वह हार्डन हाई कार्बन स्टील, टंगस्टन कार्बाइड, हाई क्रोमियम ऑयल हार्डनिंग स्टील, ये पंच और डाइज के मटेरियल होते हैं। और जो सीट मेटल पीस हम प्रयोग करते हैं उसका मटेरियल एल्यूमिनियम, ब्रास, कॉपर, स्टेनलेस स्टील और कुछ केसेस में प्लास्टिक भी होता है। और पंच की मदद से जो फोर्स अप्लाई किया जाता है उसके लिए हम पंचिंग प्रेस का इस्तेमाल करते हैं, जो सिंपल और मैन्युअली कंट्रोल्ड भी हो सकती है, या फिर कॉम्प्लेक्स या सीएनसी कंट्रोल्ड भी हो सकती है। और जो ये स्टोक है, यह जॉब और सीट मेटल, इसको हेल्ड करने के लिए जॉब होल्डर का प्रयोग करते हैं ताकि डिस्टॉर्शन को प्रिवेंट किया जा सके। और जो ब्लैंकिंग ऑपरेशन है, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ में, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ में, किचन अप्लायंसेस में, या फिर सीट मेटल कंपोनेंट्स की मास प्रोडक्शन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो शेप और साइज़ होता है फाइनल प्रोडक्ट, जिसे हम ब्लैंक कहते हैं, वह डाई और पंच की ज्योमेट्री पर निर्भर करता है। और इस प्रोसेस की जो ऑपरेशन कॉस्ट और टाइम है वह भी डाई और पंच के डिज़ाइन पर डिपेंड करती है। तो आज हमने डिस्कस किया सीट मेटल ऑपरेशन ब्लैंकिंग के बारे में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।